नमस्कार, मैं शिवानी, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। दौसा के गिजगढ़ में निगम कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही व निगम कार्मिकों की फील्ड में सुरक्षा की मांग को लेकर विद्युत श्रमिक संघ ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ जिला दौसा द्वारा सहायक अभियंता गिजगढ़ के अधीन कार्यरत सीताराम गुज्जर सहायक द्वितीय के साथ की गई मारपीट व प्राण घातक हमले के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने एवं विद्युत निगम कार्मिकों की फील्ड में सुरक्षा निश्चित किए जाने की मांग को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला महामंत्री हेमंत कुमार त्रिवेदी ने बताया कि निगम कर्मचारी सीताराम गुज्जर द्वारा निगम हित में कार्य करते हुए उपभोक्ता मुकेश गुज्जर निवासी टोलडा व करेडू कनेक्शन को बकाया राशि जमा नहीं करवाए जाने कारण विच्छेद किया गया था। इस पर आरोपी विद्युत उपभोक्ता द्वारा अन्य तीन व्यक्तियों के साथ मिलकर कर्मचारी सीताराम गुज्जर के साथ मारपीट की गई व प्राण घातक हमला किया गया, जिसकी FIR सदर थाने में दर्ज करवाई गई, परंतु अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करवाए जाने व विद्युत निगम कार्मिकों को फील्ड में सुरक्षा सुनिश्चित की जाने की मांग की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री अनुप कुमार शर्मा, विद्युत श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत कुमार वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष महेश शर्मा सहित काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। गुर्जर एक कर्मचारी था जो गीजगढ़ IN ऑफिस में कार्यरत है। गंडरा में एक उपभोक्ता था, कोई कनेक्शन काट दिया था, गलत कनेक्शन, तो उस पर 56,000 रुपये बाकी थे। उसके दूसरे दिन 5-7 व्यक्तियों ने उसको भयंकर मारा पीटा और उस पर जीप से उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर कर दे दी। उसकी सिकंदरा थाने में FIR दर्ज कराई है और कर्मचारी ने उस पर कार्रवाई के लिए मांग की है। इस तरह की कई बार घटनाएं हो चुकी, इनके कुछ रोकने के लिए कुछ ठोस कार्रवाई? पुलिस और प्रशासन की मदद से इस पर कार्रवाई पहले भी करवाई है और अभी भी प्रयास रहते हैं हम लोग कि इस पर कार्रवाई। 14 सितंबर को गीजगढ़ IN ऑफिस में कर्मचारी है हमारा सीताराम गुज्जर, जो बकाया वसूली पे गया था और 55,000 रुपये उस एक उपभोक्ता के बकाया थे, उसका कनेक्शन उसने काट दिया। तो दूसरे दिन जो उसके परिजन थे जिनका कनेक्शन काटा है, वो लोग मिलकर उसके साथ मारपीट करी और जीप से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर देकर हत्या करने की कोशिश करी गई। उसका सिकंदरा थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए हम आज SC साहब से मिले हैं कि उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। क्या सुना? योगेश चौधरी।